बैला ने बहला देगी। हम कम पढ़े लिखे हैं, जो आया सो कह दिया। नहीं लाला, नहीं बहलाऊंगी। मैया हरदम बहला देती हूँ। एक बार मैंने कहा था शादी करना है, कहा था राधा गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। लेकिन माँ बार बार बहला देती हूँ। मैया बोली नहीं लाला, नहीं लाला। अरे ऐसे वैसे ना तुझको बहलाऊंगी। लाला ने ऊपर की ओर उंगली उठाई, माँ माँ वो क्या है। मैया बोली नभ मंडल है, नहीं नभ मंडल में कुछ बड़ा सा चमक रहा है। हाँ, मरकरी के जैसा। नभ मंडल में वो चंदा है, चंदा है। हाँ। तो बिल्कुल मेरे लाल चंद्र का जैसा होता है। तुम मैया तो चंद्र खिलौना ले हो, अब ही लौट जो धरन में, तेरी गोद ना आई हो मैया। हाँ। तो चंद्र खिलौना ले हो। अब मैया ने कहा बड़ी आफत आ गई, अब कहां से चंदन लाया जाए। हाँ। कहां से लाया जाए, कहां से। लाला बोले देख मैया सोच ले, तुम चंदा ला देगी ऊपर से ऊपर। मैया चंदा मामा ला देगी ऊपर से भूपर, तो भूपर से भेजूंगा कंस मामा। अब लाला कीजिए है, क्या करें। मैया ने एक थाली में पानी भरा और रख दिया, और जैसे पानी भर के रखा आंगन में, तो ऊपर से चंद्रमा वो चमकने लगा। मैया बोली लाला लाला ले चंदा, लाला चंदा ले, लाला चंदा ले, लाला चंदा ले। लाला ने थाली में हाथ डाला, और जैसे हाथ डाला तो कहीं कोई कुछ था ही नहीं, पानी ही पानी था। और जैसे हाथ डालने लगे कुछ नहीं मिला, तो बोली मैया ये क्या है। मैया बोली वही चंदा है। तो लाला बोला ये चंद्र ऐसा होता है, ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। तू भी तो पकड़ में नहीं आता है। और एक और हमारे दादा स्वर्गीय हरि कृष्ण जी, जो कीर्तन जगत के भीष्म पितामह हैं। बिल्कुल बेटा, आपकी प्रतिमा को देखा तो दो लाइनें पढ़ रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए ऐसे ही, ये चंद्र वंश में जन्मे हैं तो राम जी जन्मे सूर्य वंश में। ये चंदा के लिए अड़ गए तो एक भाव रख रही हूँ,
कि हमारे राम जी भी कहने लगे माँ माँ आकाश में सूर्य चमक रहा है कि वो क्या है। बोले वो सूरज यानी सन है, सन माने सूरज। तो राम जी बोले भगवान भोलेनाथ को स्तनपान कराया है तो अगर उधर माता रानी भगवान भोलेनाथ को खा गई धुएं के रूप में निकल गए, बढ़िया बात आई है। इधर उनकी भूख उधर उनकी भूख, दोनों भूखे ही हैं। बढ़िया बात आई है। हम नारायण केवल प्यासे बैठे हैं। वाकई में बहुत सुंदर सा चक्र रहा है जो होना चाहिए, इसीलिए मैंने अवधेश भैया से कहा था कि इस मंच का चुनाव जब तक परवाना जी करेंगे तब तक गलत नहीं हो। भैया जी इसीलिए मैंने कल्पना जी का चुनाव किया था क्योंकि हम जानते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी कल्पना कभी बेकार नहीं हो सकती, कभी नहीं होती। क्योंकि कल्पना हमारी है ना, वो बात वही तो उनका नाम थोड़ी ले रहे हैं। जी जी बोले बोले। ये राम लखन त्रिवेदी भैया मलके गांव आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। शाबाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं श्री जितेंद्र बहादुर सिंह भैया। ओहो कहाँ है, रात में ये हाल है। अब समझो दिन में क्या होगा। आपने लिखा है बादल चांद को छुपा सकता है, हाँ। आसमान को नहीं, मैं सबको भुला सकता हूँ लेकिन उनको नहीं। नहीं ये तो गलत बात है, हमने कुछ और देखा है। ये नौ युवक कमेटी मलके गांव आपकी ओर से ये 251 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद बाद में, अब बाद में। हाँ बोलते रहे। ये फिर से हमारे लखनलाल भैया जी आपकी ओर से 251 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। धन्यवाद है। आइए अब अपनी ओर से कार्यक्रम बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल बढ़ाइए क्योंकि समय भी निर्धारित कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर सा खंड गीत और बहुत ही सुंदर सा गीत आया है कल्पना जी की ओर से। सवाल के लिए टीका टिप्पणी नहीं होगी क्योंकि यहाँ की जनता हमसे अधिक ज्ञानी है। व्यर्थ में समय बिताने से कोई फायदा नहीं है ना भाई। भैया श्री नौ युवक कमेटी मलके गांव आपकी ओर से 51 रुपए हमारे साथ जो श्री नारायण जी है इनके लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। धन्यवाद। और ये एक बार फिर से हमारे बहादुर भैया जी आपकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। धन्यवाद है। चलो बबुआ इस पे जरा कपड़ा मार दो। हाँ, वो काम चालू है। पानी गिर रहा है। नहीं आगे मार दो। हाँ, वो सब जगह ये डेंटिंग पेंटिंग चलती रहे जरूरी है। ये नया लॉन्च हुआ है बरोसी बिल्कुल। केएस चैनल वालों के पास भी चले जाओ थोड़ा ही ना उनके मार दो मतलब ऊपर। Thank you.
शाबाश। कर रही हूँ, बिल्कुल करो। कल्पना जी की तरह नहीं लेकिन अपनी तरह प्रयास करती हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर से धुन का चुनाव किया है आपने वाकई में। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर से तर्ज आई है, तर्ज आपने गाई है। तेरे नैनों के देखो दीप जलाऊंगा, घर की सेटिंग है। हाँ, यहाँ पर तुरंत का देखिएगा, हम लोग तुरंत सेटिंग करते हैं। हाँ, अब देखिएगा भैया जी, बात बहुत अच्छी लाई है, वो क्या है, और सेटिंग भी बढ़िया है, तंबू है, फिर बम्बू है, फिर उसके ऊपर है, बहुत बढ़िया बात लाई है। जो बात प्रयास में कर रही थी जवाब में, मैया राधिका गोरी से विरज की छोरी से, लेकिन कल्पना जी ने वो भी काम दिखा दिया, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब देखिए कल्पना जी, आपने वो भी किया जो नहीं करना चाहिए, यानी जो जवाब बन रहा था वो आपने कद में निपटा दिया। क्योंकि सच बताएं, जवाब में मैं यही ला रही थी कि एक बार कन्हैया और मचल गए, एक बार मचले मैया में चंद खिलौना ले हो, और दोबारा मैया मेरी शादी होनी है, और शादी भी केवल मैं राधा से करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शाबाश। लेकिन आपने उसको कद में निपटा दिया है। कल्पना जी, अब समस्या है जवाब की जवाबी होती है। भैया जी, मैंने माता रानी से कहा, मैया अब कुछ रास्ता तो दिखाओ। हाँ, दिखा दिया भैया, क्योंकि अब हम कल्पना से बड़े हैं तो कुछ अलग बात आनी भी चाहिए और जवाब भी आना चाहिए। इस सहरापुर में समझ में आए कि नहीं, रिंकी तिवारी मेहनत कर रही है। हाँ, और क्या, मेहनत कर रही है। तो देखिए, क्योंकि कहते हैं जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँचे। आदरणीय भैया जी, तुरंत कमेंट कर आप प्रयास देखें, क्योंकि जो जवाब था वो भी कल्पना जी ने बता दिया है। एक बार भगवान कन्हैया लाल और मचल गए, मैं भैया एक बार कन्हैया लाल मचल गए, मैया आज मैं गैया चराने जाऊंगा। बिल्कुल मैया, मैं तो गाय चरावन जी हूँ। मैया ने कहा, क्या जरूरत है, इतनी सारी गैया हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन मेरा लाला क्यों जाएगा। इसमें भी भगवान कन्हैया लाल की एक लीला छुपी है। बिल्कुल शाबाश भैया जी, निवेदन है सुनेगा, क्यों कन्हैया लाल ने सुना है वो अकासुर और बकासुर जो आया है वो सभी लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। वो त्रेत सतयुग का वादा भी पूरा करना है द्वापर में। अब देखिए, इधर वो वादा भी पूरा करना है और सभी लोगों को उस राक्षस से बचाना है,
तो मेरी पंक्ति कहती है भगवान कन्हैया लाल मैया से कह रहे हैं कि मैया ओरी मैया अरे मैया मेरी गाय चराने जाऊंगा मैया कहने लगी कि क्यों परेशान कर रहे हो लाला और तो कभी दिल जिद नहीं करते हो आज क्यों इतनी जिद कर रहे हो वो भी जाने की तो कहना पड़ा मुझे तो कहने लगे मुझे जाना है क्यों भैया मैया कहने लगी अरे क्यों जाना है कन्हैया ने कहा मुझे जाना है तो मैया ने कहा क्यों जाना है अब जब कहा तो कहने लगे एक वादा है वो निभाना है आपका नहीं त्रेता का वादा है वो अभी निभाना है तो मैया कहने लगी कुछ मुझको राक्षस से मुझे गोकुल को बचाना है तो कहने लगे ए मैया मुझे जाना है क्यों लाखों ग्वाल बाल गोकुल में लेकिन मेरा किशन लाखों में एक होता है बहुत धन्यवाद है अब देखिए ये आपके